नमस्कार बच्चों, आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10 हिंदी मीडियम का हिंदी विषय क्षितिज भाग 2 से 14वां पाठ है एक कहानी यह भी, जिसे लिखा है मन्नू भंडारी ने और हमारी ये लेखिका है मन्नू भंडारी। उसका परिचय हम पहले देखते हैं। मन्नू भंडारी का जन्म सन 1931 में गांव भानपुरा जिला मंदसौर मध्य प्रदेश में हुआ, परंतु उनकी इंटर तक की शिक्षा दीक्षा हुई राजस्थान के अजमेर शहर में। बाद में उन्होंने हिंदी में एमए किया दिल्ली के मिरांडा हाउस कॉलेज में। अध्यापन कार्य से अवकाश प्राप्ति के बाद आजकल दिल्ली में ही रहकर स्वतंत्र लेखन कर रही है। हमारी ये जो लेखिका है उनका जन्म गांव भानपुरा और जिला मंदसौर जो मध्य प्रदेश में आया हुआ है उसमें हुआ। इंटर तक की पढ़ाई उन्होंने राजस्थान के अजमेर शहर में की और बाद में उन्होंने हिंदी विषय में एमए किया और दिल्ली के मिरांडा हाउस कॉलेज में अध्यापन कार्य करने के बाद अब अवकाश प्राप्ति के बाद वह आजकल दिल्ली में रहकर ही स्वतंत्र लेखन कर रही है। स्वतंत्रोत्तर हिंदी कथा साहित्य की प्रमुख हस्ताक्षर मन्नू भंडारी की प्रमुख रचनाएं हैं एक प्लेट सैलाब में हार गई यही सच है, त्रिशंकु ये कहानी संग्रह है, आपका बंटी, महाभोज ये उपन्यास है। इसके अलावा उन्होंने फिल्म एवं टेलीविजन धारावाहिकों के लिए पटकथाएं भी लिखी है। हाल ही में एक कहानी यह भी नाम से आत्मकथ्य का प्रकाशन उन्होंने हाल ही में क्या लिखा है कि एक कहानी यह भी नाम से उन्होंने एक आत्मकथ्य का प्रकाशन किया है। उनकी साहित्यिक उपलब्धियों के लिए हिंदी अकादमी के शिखर सम्मान सहित उन्हें अनेक पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं, जिनमें भारतीय भाषा परिषद, कोलकाता राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के पुरस्कार शामिल है। मन्नू भंडारी की कहानियाँ हो या उपन्यास, उसमें भाषा शिल्प की सादगी तथा प्रामाणिक अनुभूति मिलती है। उनकी रचनाओं में स्त्री मन से जुड़ी अनुभूतियों की अभिव्यक्ति भी देखी जा सकती है। यहाँ पर हमने मन्नू भंडारी का परिचय देखा, अब यहाँ पर हम पाठ का प्रवेश देखेंगे कि इस आत्मकथ्य में उन्होंने क्या लिखा है। एक कहानी यह भी के संदर्भ में सबसे पहले तो हम यह जान लें कि मन्नू भंडारी ने पारिभाषिक अर्थ में कोई सिलसिलेवार आत्मकथा नहीं लिखी है। अपने आत्मकथ्य में उन्होंने उन व्यक्तियों और घटनाओं के बारे में लिखा है जो उनके लेखकीय जीवन से जुड़े हुए हैं, कि उन्होंने अपने आत्मकथा नहीं लिखी है पर आत्मकथ्य लिखा है। और आत्मकथा यानी क्या होता है कि आत्मकथा में अपने पूरे जीवन का जो भी सही बातें हैं गलत बातें हैं वो सब पूरी हम लिखते हैं। और आत्मकथ्य में क्या होता है कि उनके जो महत्वपूर्ण घटनाएं होती है उसके बारे में लेखक या लेखिका बताते हैं। तो यहाँ पर आत्मकथ्य में उन्होंने उन्हीं व्यक्तियों और घटनाओं के बारे में लिखा है जो उनके लेखकीय जब उन्होंने लिखना शुरू किया था तो उसके जीवन में उसके साथ उस वक्त जुड़े हुए थे उनके बारे में बताया है। संकलित अंश में मन्नू जी के किशोर जीवन से जुड़ी घटनाओं के साथ उनके पिताजी और उनके कॉलेज की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल का व्यक्तित्व विशेष तौर पर उभर कर आया है। उन्होंने आगे चलकर उनके लेखकीय व्यक्तित्व के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेखिका ने यहाँ बहुत ही खूबसूरती से साधारण लड़की के असाधारण बनने के प्रारंभिक पड़ावों को प्रकट किया है। सन 37-46 की आज़ादी की आंधी ने मन्नू जी को भी अछूता नहीं छोड़ा। छोटे शहर की युवा होती लड़की ने आज़ादी की लड़ाई में जिस तरह भागीदारी की उसमें उसका उत्साह, ओज, संगठन क्षमता और विरोध करने का तरीका देखते ही बनता है। तो यहाँ पर मन्नू भंडारी जी ने आत्मकथ्य में क्या लिखा है उसके बारे में हमने देखा। अब हम पाठ की शुरुआत करेंगे। पाठ का नाम है एक कहानी यह भी।
जन्मी तो मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में थी, लेकिन मेरी यादों का सिलसिला शुरू होता है अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले के उस दो मंजिला मकान से, जिसकी ऊपरी मंजिल में पिताजी का साम्राज्य था। कि उन्होंने अपने आत्मकथा की शुरुआत कहाँ से की है कि अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले के उस दो मंजिला मकान से, जिसके ऊपरी मंजिले पर उनके पिताजी का साम्राज्य था, जहाँ वे निहायत अव्यवस्थित ढंग से फैली बिखरी पुस्तकों, पत्रिकाओं और अखबारों के बीच या तो कुछ पढ़ते रहते थे या फिर डिक्टेशन देते रहते थे। कि सबसे पहले उन्होंने अपने पिताजी के बारे में बताया है, जो ऊपर के कमरे में हमेशा रहते थे और अव्यवस्थित ढंग से क्या करते थे कि सब पुस्तकें, पत्रिकाओं सब फैली हुई होती थी, या तो वो उन्हें पढ़ते रहते थे या फिर किसी न किसी को सलाह सूचन देते रहते थे। नीचे हम सब भाई बहनों के साथ रहती थी कि वो अपने भाई बहनों के साथ नीचे रहती थी। हमारी बेपढ़ी लिखी व्यक्तित्व विहीन माँ सवेरे से शाम तक हम सबकी इच्छाओं और पिताजी की आज्ञाओं का पालन करने के लिए सदैव तत्पर। कि उनकी जो माँ थी वो बेपढ़ी लिखी, यानी कि वो पढ़ी लिखी नहीं थी और व्यक्तित्व विहीन थी, और वह क्या करती थी कि सवेरे से शाम तक इन सब भाई बहनों की इच्छाओं और पिताजी की आज्ञाओं का पालन करने के लिए हमेशा तत्पर रहती थी। अजमेर से पहले पिताजी इंदौर में थे, जहां उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी, सम्मान था, नाम था। कांग्रेस के साथ साथ वे समाज सुधार के कामों से भी जुड़े हुए थे। शिक्षा के वे केवल उपदेश ही नहीं देते थे, बल्कि उन दिनों 8-8, 10-10 विद्यार्थियों को अपने घर रखकर पढ़ाया है, जिनमें से कई तो बाद में ऊंचे ऊंचे ओहदों पर पहुंचे। कि उनके पिताजी क्या करते थे कि इंदौर में थे जब उनके पिताजी, तो उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी, सम्मान था और उनका नाम भी बड़ा था। और उसके साथ साथ वो क्या करते थे कि कांग्रेस के साथ समाज सुधार के कार्य में जुड़े हुए थे, और शिक्षा देने के लिए वो केवल उपदेश ही नहीं देते थे, बल्कि उन दिनों वो 8-10 विद्यार्थियों को अपने घर पर ही रखकर पढ़ाया करते थे, और उनमें से कई तो ऊंचे ऊंचे ओहदों पर आज पहुंच गए हैं। ये उनकी खुशहाली के दिन थे, और उन दिनों उनकी दरिया दिली के चर्चे भी कम नहीं थे। कि उन दिन ये उनके लिए बहुत ही खुशहाली के दिन थे, और उन दिन उनकी दरिया दिली, यानी कि उनका दिल बड़ा था, तो उसके भी चर्चे कम नहीं थे। एक ओर वे बेहद कोमल और संवेदन व्यक्ति थे, तो दूसरी ओर बेहद क्रोधी और अहमवादी। कि इस तरह से वो दूसरों को सलाह और सेवा देने में उनके चर्चे थे, तो उनका हृदय एक ओर तो कोमल और संवेदनशील था, तो दूसरी ओर वो कैसे थे कि बेहद क्रोधी और अहमवादी भी थे। पर यह सब तो मैंने केवल सुना, कि ये सब बातें तो लेखिका ने सिर्फ सुनी है। देखा तब तो इन गुणों के भावनावेशों को धोते पीता थे। एक बहुत बड़े आर्थिक झटके के कारण वे इंदौर से अजमेर आ गए थे, जहां उन्होंने अपने अकेले के बलबूते और हौसले से अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश विषयवार के अधूरे काम को आगे बढ़ाना शुरू किया, जो अपनी तरह का पहला और अकेला शब्दकोश था। इसने उन्हें यश और प्रतिष्ठा तो बहुत दी, पर अर्थ नहीं, और शायद गिरती आर्थिक परिस्थिति ने ही उनके व्यक्तित्व के सारे सकारात्मक पहलुओं को निचोड़ना शुरू कर दिया था। कि उनका जो पहले का जीवन था वो बहुत ही खुशहाली भरा था, और अजमेर उन्हें अचानक से आर्थिक झटके के कारण वो इंदौर से कहाँ पर आ जाते हैं, अजमेर आ गए, और उन्होंने अकेले के बलबूते पर अंग्रेजी और हिंदी शब्द कोश के अधूरे काम को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया, और अपनी तरह का पहलू अकेला ही उन्होंने किया कि ये एक शब्दकोश था, उनसे उन्होंने यश और प्रतिष्ठा बहुत ही मिलती है, और शायद इनकी आर्थिक परिस्थिति बहुत ही गिरने लगती है, और उनके जो व्यक्ति के सारे सकारात्मक पहलू थे वो उन्हें निचोड़ना शुरू कर देते हैं। सिकुड़ती आर्थिक स्थिति के कारण और अधिक विस्फारित उनका अहम उन्हें इस बात तक की अनुमति नहीं देता था कि वे कम से कम अपने बच्चों को तो अपनी आर्थिक व्यवस्थाओं का भागीदार बनाए।
नवाबी आदतें अधूरी महत्वाकांक्षाएं हमेशा शीर्ष पर रहने के बाद हाशिए पर सरकत चले जाने की यातना क्रोध बनकर हमेशा माँ को कपाती थरथराती रहती थी कि उनकी आर्थिक स्थिति अब खराब होने लगी है। तो इसके कारण और उनकी आदतें भी नवाबी थी और अधूरी महत्वाकांक्षाएं ये सब उनके आसपास मंडराती रहती है। तो और इसके कारण ये आर्थिक परिस्थिति में भिड़ जाते हैं। तो ये सब जो यातनाएं हैं उनके मन पर हमेशा रहती है और उसी के कारण वो ये हमेशा ये सब बातें क्रोध बनकर हमेशा माँ को कपाती है यानी कि उन्हें डराती रहती थी उनके क्रोध भरे स्वभाव के कारण। अपने हाथों के विश्वासघात की जाने कैसी गहरी चोट लगी होंगी वे जिन्होंने आंख मूंद कर सबका विश्वास करने वाले पिता को बाद के दिनों में इतना शक्की बना दिया था कि जब तक हम लोग भी उसकी चपेट में आते ही रहते कि ये सब बातें उनके जीवन में होने लगी है। तो इन सब बातों ने इन सब बातों के कारण इन सब बच्चों को और उनकी माँ को भी उसकी चपेट में आना पड़ा था। पर यह पितृकथा में इसलिए नहीं गा रही कि मुझे उनका गौरव मान करना है कि लेखिका क्या कह रही है कि ये सब मैं इसलिए नहीं बता रही कि मुझे अपने पिता की गौरव गाथा गानी है बल्कि मैं तो यह देखना चाहती हूँ कि उनके व्यक्तित्व की कौन सी खूबी और खामियाँ मेरे व्यक्तित्व के ताने बाने में गुथी हुई है या कि अनजाने अनचाहे किए उनके व्यवहार ने मेरे भीतर किन ग्रंथियों को जन्म दे दिया है। मैं काली हूँ, बचपन में दुबली और मरियल भी थी। लेखिका अपने बारे में बता रही है अब कि मैं काली हूँ और बचपन में दुबली पतली और मरियल भी थी। गोरा रंग पिताजी की कमजोरी थी सो बचपन में मुझसे 2 साल बड़ी खूब गोरी स्वस्थ और हसमुख बहन सुशीला से हर बात में तुलना और फिर उसकी प्रशंसा ने ही क्या मेरे भीतर ऐसे गहरे हीन भाव की ग्रंथि पैदा नहीं कर दी कि नाम सम्मान और प्रतिष्ठा पाने के बावजूद आज तक मैं उससे उबर नहीं पाई। कि लेखिका अपने बारे में बता रही है कि लेखिका के जो पिता है वो कैसे थे, उन्हें गोरा रंग अच्छा लगता था तब जबकि लेखिका काली थी और बचपन में तो वो दुबली पतली और मरियल भी थी यानी कि पूरी स्वस्थ भी नहीं थी। और उनसे 2 साल बड़ी उनकी बहन थी वो खूब गोरी और स्वस्थ थी। तो उनके जो पिताजी थे वो उनकी बहन से हमेशा उसकी तुलना किया करते थे और प्रशंसा भी करते थे। और इसी बात ने शायद लेखिका के मन में ऐसे गहरे हीन भावों की ग्रंथि पैदा नहीं कर दी ऐसा सम्मान और प्रतिष्ठा पाने के बावजूद भी आज तक उसे इन बातों से वह उबर नहीं पाई है। आज भी परिचय करवाते समय जब कोई कुछ विशेषता लगाकर मेरी लेखकीय उपलब्धियों का जिक्र करने लगता है तो मैं संकोच से सिमट ही नहीं जाती बल्कि गड़ने को हो आती हूँ कि अगर आज कोई लेखिका का परिचय करवाता है उन्होंने इतना सब लेखकीय उपलब्धियाँ प्राप्त की है तो तब भी आज भी इन सब बातों के कारण लेखिका सिमट ही नहीं जाती है बल्कि वो गड़ने को हो आती है। शायद अचेतन के किसी पर्त के नीचे दबी इसी हीन भावना के चलते मैं अपने किसी भी उपलब्धि पर भरोसा नहीं कर पाती। सब कुछ मुझे तुक्का ही लगता है। पिताजी के जिस शक्की स्वभाव पर मैं कभी भन्ना जाती थी कि पिताजी का स्वभाव शक्की था तो कभी लेखिका उनके कारण डर जाती थी तो आज एकाएक अपने खंडित विश्वासों की व्यथा के नीचे मुझे उनके शक्की स्वभाव की झलक ही दिखाई देती है कि आज भी लेखिका को उनके शक्की स्वभाव के ही झलक दिखाई देती है। बहुत अपनों के हाथों विश्वासघात की गहरी व्यथा से उपजा शक कि बहुत सारे हाथों से विश्वासघात की गहरी व्यथा से उनका ये शक उपजा हुआ था। होश संभालने के बाद से ही जिन पिताजी से किसी न किसी बात पर हमेशा मेरी टक्कर ही चलती रहती थी कि जब से लेखिका ने होश संभाला था यानी कि अपने आप को संभालना शुरू कर दिया था तो उसी समय से
पिताजी ने उन्हें किसी न किसी बात पर हमेशा ही उसकी क्या होती रहती थी, टक्कर ही चलती थी। वे तो न जाने कितने रूपों में मुझ में है कि ये लेखिका के पिताजी जो है वो कितने ही रूप में उनमें है, कहीं कुंठाओं के रूप में, कहीं प्रतिक्रिया के रूप में, तो कहीं प्रतिच्छाया के रूप में। केवल बाहरी भिन्नता के आधार पर अपने परंपरा और पीढ़ियों को नकारने वालों का क्या सचमुच इस बात पर बिल्कुल एहसास नहीं होता कि उनका आसन अतीत किस कदर उनके भीतर जड़ जमाए बैठा रहता है। समय का प्रवाह भले ही हमें दूसरी दिशाओं में बहाकर ले जाए, स्थितियों का दबाव भले ही हमारा रूप बदल दे, हमें पूरी तरह उससे मुक्त तो नहीं ही कर पाता कि स्थितियां जो है वो उनका जो दबाव होता है वो भले ही हमारा रूप बदल देती है, हमें पूरी तरह उससे मुक्त तो नहीं कर पाती है। पिता के ठीक विपरीत थी हमारी बेपढ़ी लिखी माँ। लेखिका ने यहाँ पर पिताजी के बारे में बताया। अब उनके बिल्कुल ही विपरीत थी उनकी बेपढ़ी लिखी माँ, यानी कि जो पढ़ी लिखी नहीं थी। धरती से कुछ ज़्यादा ही धैर्य और सहन शक्ति थी शायद उनमें, कि लेखिका उनकी माँ की तुलना किससे करती है कि धरती से भी कुछ ज़्यादा धैर्य, धीरज रखना और सहन शक्ति उनमें थी। पिताजी की हर ज्यादती को अपना प्राप्य और बच्चों की हर उचित अनुचित फरमाइश और जीत को अपना फर्ज समझकर बड़े सहज भाव से स्वीकार करती थी वे, कि पिताजी की हर फरमाइश जो उचित हो या अनुचित, और हर जीत वो क्या करती थी कि वो बड़े ही सहज भाव से स्वीकार कर लेती थी। उन्होंने जिंदगी भर अपने लिए कुछ मांगा नहीं था कि उन्होंने जिंदगी भर अपने लिए किसी से भी कुछ भी नहीं मांगा था, चाहा नहीं, केवल दिया ही दिया, कि उन्होंने कभी किसी से कुछ चाहा ही नहीं और ना ही मांगा है, केवल उन्होंने जो भी किया है वो सब दिया ही दिया है। हम भाई बहनों का सारा लगाव शायद सहानुभूति से उपजा हुआ माँ के साथ था, लेकिन निहायत असहाय मजबूरी में लिपटा हुआ उनका जो त्याग है वो कभी मेरा आदर्श नहीं बन सका। न उनका त्याग, न उनकी सहिष्णुता, खैर जो भी हो, अब यह पैतृक पुराण यही समाप्त कर अपने पर लौटती हूँ, कि लेखिका यहाँ पर अपने माता पिता के बारे में इतना ही बताती है। और ये जो माता पिता की जो बात है वो यही पर समाप्त करती है। यहाँ पर उन्होंने इनकी बातें ख़त्म की। अब वो अपने बारे में बताती है कि पांच भाई बहनों में सबसे छोटी मैं, कि लेखिका कितने भाई बहन थे, लेखिका और उनके पांच भाई बहनों में से वह सबसे छोटी थी। सबसे बड़ी बहन की शादी के समय मैं शायद 7 साल की थी और उसकी एक धुंधली सी याद ही मेरे मन में है, लेकिन अपने से 2 साल बड़ी बहन सुशीला और मैंने घर के बड़े से आंगन में बचपन के सारे खेल खेले, सतोलिया, लंगड़ी, टांग, पकड़म पकड़ाई, काली टीलो, तो कमरों में गुड्डे गुड़ियों के ब्याह भी रचाए। पास पड़ोस की सहेलियों के साथ यूँ खेलने को हमने भाइयों के साथ गिल्ली डंडा भी खेला और पतंग उड़ाने, कांच पीस कर मांजा सूतने का काम भी किया, लेकिन उनकी गतिविधियों का दायरा घर के बाहर ही अधिक रहता था और हमारी सीमा थी घर। की लेखिका जब छोटी थी तो उनके भाई बहनों के साथ ही वह खेलती थी और ये सब यादें, उनकी धुंधली सी यादें उनके मन में है, और वह हमें घर के आंगन में बचपन में सारे खेल खेला करती थी भाई बहनों के साथ, और गिल्ली डंडा भी उन्होंने खेला, बहुत सारे खेले उन्होंने खेले। और परंतु क्या है कि ये सब जो खेल है वो, ये जो सारी गतिविधियाँ थी वो खेलने का उनका दायरा था घर से बाहर ही अधिक रहता था और हमारी और उन लोगों की सीमा थी घर तक। हाँ, इतना जरूर था कि उस जमाने में घर की दीवारें घर तक ही समाप्त नहीं हो जाती थी, बल्कि पूरे मोहल्ले तक फैली रहती थी, इसलिए मोहल्ले के किसी भी घर में जाने पर कोई पाबंदी नहीं थी, बल्कि कुछ घर तो परिवार का हिस्सा ही थे।
आज तो मुझे बड़ी शिद्दत के साथ यह महसूस होता है कि अपनी ज़िंदगी खुद जीने के इस आधुनिक दबाव ने महानगरों के फ्लैट में रहने वालों को हमारे इस परंपरागत पड़ोस कल्चर से विच्छिन्न करके हमें कितना संकुचित, असहाय और असुरक्षित बना दिया है। मेरी कम से कम एक दर्जन आरंभिक कहानियों के पात्र इसी मोहल्ले के हैं, जहां मैंने अपने किशोरावस्था गुजार अपनी युवावस्था का आरंभ किया था। एक दो को छोड़कर उनमें से कोई भी पात्र मेरे परिवार का नहीं है कि उन्होंने इन सब पात्रों के द्वारा ही मोहल्ले के है जहां उन्होंने अपनी सारी किशोरावस्था गुजारी और अपनी युवावस्था का आरंभ भी उन्होंने किया था। बाकी एक दो को छोड़कर उनमें से कोई भी पात्र उनके परिवार का नहीं है। बस इनको देखते सुनते इनके बीच ही मैं बड़ी हुई थी, लेकिन इनकी छाप मेरे मन पर कितनी गहरी थी इस बात का एहसास तो मुझे कहानियाँ लिखते समय हुआ। इतने वर्षों के अंतराल ने भी उनकी भावभंगिमा भाषा किसी को भी धुंधला नहीं किया था और बिना किसी विशेष प्रयास के बड़े सहज भाव से वे उतरते चले गए थे। उसी समय के दास साहब अपने व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति के लिए अनुकूल परिस्थितियां पाते ही महाभोज में इतने वर्षों बाद कैसे एकाएक जीवित हो उठे, यह मेरे अपने लिए भी आश्चर्य का विषय था, एक सुखद आश्चर्य का। उस समय तक हमारे परिवार में लड़की के विवाह के लिए अनिवार्य योग्यता थी कि उस समय तक उसके परिवार में लड़कियों के विवाह के लिए एक अनिवार्य योग्यता थी, उम्र में 16 वर्ष और शिक्षा में मैट्रिक की, विवाह की उम्र 16 वर्ष और शिक्षा में मैट्रिक तक। सन 44 में सुशीला ने यह योग्यता प्राप्त की और शादी करके कोलकाता चली गई कि उनकी जो बहन है सुशीला यह योग्यता प्राप्त कर लेती है, यानी कि 16 साल की हो जाती है और मैट्रिक तक वह पढ़ाई भी कर लेती है और वह शादी करके कोलकाता चली जाती है। दोनों बड़े भाई भी आगे पढ़ाई के लिए बाहर चले गए। इन लोगों की छत्र छाया से हटते ही पहली बार मुझे नए सिरे से अपने वजूद का एहसास हुआ कि उनके दोनों भाई भी पढ़ाई के लिए बाहर चले जाते हैं, उनकी बहन भी शादी करके चली जाती है, तो तब लेखिका को अपने वजूद का एहसास होता है। पिताजी का ध्यान भी पहली बार मुझ पर केंद्रित हुआ और तभी पिताजी का ध्यान भी पहली बार शायद उस पर केंद्रित हुआ। लड़कियों को जिस उम्र में स्कूली शिक्षा के साथ साथ सुघड़ गृहिणी और कुशल पाकशास्त्री बनाने के नुस्खे जुटाए जाते थे, पिताजी का आग्रह रहता था कि मैं रसोई से दूर ही रहूं, कि इस उम्र में लड़कियों को ज़्यादातर रसोई का सारा काम सीखना होता है और विविध तरह के काम सीखने होते हैं, तो पिताजी का आग्रह क्या था कि वह रसोई घर से दूर ही रहे। रसोई को वे भटियार खाना कहते थे और उनके हिसाब से वहाँ रहना अपनी क्षमता और प्रतिभा को भट्टी में झोंकना था, कि उनके पिताजी ये सब बातें सीखना इस तरह से मानते थे। घर में आए दिन विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के जमावड़े होते थे और जमकर बहसें होती थी कि उनके घर में हर रोज आए दिन तरह तरह की राजनीतिक पार्टियां और जमावड़े होते रहते थे और उसके कारण जमकर क्या होती थी, बहसें भी होती रहती थी। बहस करना पिताजी का प्रिय शगल था, कि बहस करना ये तो इनके पिताजी का एक प्रिय विषय था। चाय पानी या नाश्ता देने जाती तो पिताजी मुझे भी वहीं बैठने को कहते। वे चाहते थे कि मैं भी वहीं बैठूं, सुनूं और जानूं कि देश में चारों ओर क्या कुछ हो रहा है। कि पिताजी को जब भी कोई मिलने आता था ऐसे आज़ादी और देश के बारे में बातें करने के लिए, और जब यह लेखिका उन्हें चाय पानी देने के लिए जाती थी तो पिताजी उन्हें वहीं पर बैठने के लिए कहते थे और उन लोगों की राजनीतिक बातें सुनने के लिए कहते थे। वो क्या चाहते थे कि वो भी जाने कि देश विदेश में हमारे चारों ओर क्या हो रहा है। देश में हो भी तो कितना कुछ रहा था। सन 42 के आंदोलन के बाद से तो सारा देश जैसे खोल रहा था,
लेकिन विभिन्न राजनीतिक पार्टियों की नीतियाँ, उनके आपसी विरोध या मतभेदों की तो मुझे दूर दूर तक कोई समझ नहीं थी। हाँ, क्रांतिकारियों और देशभक्त शहीदों के रोमानी आकर्षण उनकी कुर्बानियों से जरूर मन आक्रांत रहता था कि उन्होंने इन दिनों देश में भी तो तरह तरह का बहुत कुछ हो रहा था और राजनीतिक पार्टियों की नीतियाँ उनके आपसी विरोध या मतभेदों की तो मुझे उन इस लेखिका को कोई दूर दूर तक समझ नहीं थी और क्रांतिकारियों और देशभक्त शहीदों के रोमानी आकर्षण और उनकी कुर्बानियों से उनका मन जरूर आक्रांत रहता था। 110वीं कक्षा तक आलम यह था कि बिना किसी खास समझ के घर में होने वाली बहसें सुनती थी और बिना चुनाव किए बिना लेखक की अहमियत से परिचित हुई किताबें पढ़ती थी। लेकिन सन 45 में जैसे ही 10वीं पास करके मैं फर्स्ट ईयर में आई, हिंदी की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल से परिचय हुआ। सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल, जहां मैंने ककहरा सीखा, एक साल पहले ही कॉलेज बना था और वे इसी साल नियुक्त हुई थी। उन्होंने बाकायदा साहित्य की दुनिया में प्रवेश करवाया, मात्र पढ़ने को चुनाव करके पढ़ने में बदला, खुद चुन चुन कर किताबें दी। पढ़ी हुई किताबों पर बहसें की तो 2 साल बीतते न बीतते साहित्य की दुनिया शरद प्रेमचंद से बढ़कर जैनेन्द्र, अग्नेय, यशपाल, भगवती चरण वर्मा तक फैल गई और फिर तो फैलती ही चली गई। उस समय जैनेन्द्र जी के छोटे छोटे सरल सहज वाक्यों वाली शैली ने मुझे बहुत आकृष्ट किया था कि उसके बाद शीला अग्रवाल से क्या होता है, उनका परिचय होता है और सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल में जहाँ पर उन्होंने ककहरा सीखा और एक साल पहले ही वह कॉलेज बना था, तो उन्होंने वहाँ पर जाकर साहित्य की दुनिया में प्रवेश किया और मात्र पढ़ने और चुनाव पढ़ने में बदला, खुद वह चिन चुन कर क्या करती थी, किताबें पढ़ लेती थी। उन्होंने बहुत सारी किताबें पढ़ ली और इन सब लेखकों की किताबें पढ़ते पढ़ते वह कहाँ तक पहुँच जाती है और जैनेन्द्र जी की जो छोटे छोटे सरल सरल वाक्यों वाली शैली थी वो उन्हें उस शैली ने उन्हें बहुत ही आकृष्ट किया था। सुनीता नाम का उपन्यास है, बहुत अच्छा लगा था। अग्नेय जी का उपन्यास है शेखर, एक जीवनी, पढ़ा जरूर पर उस समय वह मेरी समझ के सीमित दायरे में समा नहीं पाया था। कुछ सालों के बाद नदी के द्वीप पढ़ा तो उसने मन को इस कदर बांधा कि उसी झोंक में शेखर को फिर से पढ़ गई। इस बार कुछ समझ के साथ, यह शायद मूल्यों के मंथन का युग था। पाप पुण्य, नैतिक अनैतिक, सही गलत की बनी बनाई धारणाओं के आगे प्रश्न चिन्ह ही नहीं लग रहे थे, उन्हें ध्वस्त भी किया जा रहा था। इसी संदर्भ में जैनेन्द्र का त्याग पत्र, भगवती बाबू का चित्रलेखा पढ़ा और शीला अग्रवाल के साथ लंबी लंबी बहसें करते हुए उस उम्र में जितना समझ सकती थी वह उन्होंने समझ लिया। शीला अग्रवाल ने साहित्य का दायरा ही नहीं बढ़ाया था बल्कि घर की चार दीवारी के बीच बैठकर देश की स्थितियों को जानने समझने का जो सिलसिला पिताजी ने शुरू किया था उन्होंने वहाँ से खींचकर उसे भी स्थितियों का सक्रिय भागीदारी में बदल दिया। सन 46-37 के दिन वे स्थितियाँ, उसमें वैसे भी घर में बैठे रहना संभव था भला, प्रभात फेरिया, हड़तालें, जुलूस, भाषण, हर शहर का चरित्र था और पूरे दमखम और जोश खजोश के साथ इन सब से जुड़ना हर युवा का उन्माद। मैं भी युवा थी और शीला अग्रवाल की जोशीली बातों ने रगों में बहते खून को लावे में बदल दिया था और स्थिति यह हुई कि एक बवंडर शहर में मचा हुआ था और एक घर में। पिताजी की आज़ादी की सीमा यही तक थी कि उनकी उपस्थिति में घर में आए लोगों के बीच उठू बैठू, जानू समझू, हाथ उठा उठा कर नारे लगाती, हड़तालें करवाती, लड़कों के साथ शहर की सड़कें नापती, लड़की को अपनी सारी आधुनिकता के बावजूद बर्दाश्त करना उनके लिए मुश्किल हो रहा था कि यह जो शीला अग्रवाल थी उनके साथ रहकर उन्होंने बहुत कुछ
सीखा था और जाना था, और शहर में जो बवंडर मचा हुआ था, और शहर में भी बवंडर था और यहाँ पर लेखिका के घर में भी एक बवंडर मचा हुआ था, और पिताजी की आज़ादी की सीमा यही तक थी कि उनकी उपस्थिति में वो क्या करे कि घर में आए हुए लोगों के बीच वो उठे बैठे उन सब की बातें जाने समझे और हाथ उठा उठा कर क्या करे, नारे लगाती, हड़तालें करवाती, लड़कों के साथ शहर की सड़कें नापती हुई लड़की को अपनी सारी आधुनिकता के बावजूद ये सब बर्दाश्त करने के लिए लेखिका के लिए मुश्किल हो रहा था। तो किसी की दी हुई आज़ादी के दायरे में चलना मेरे लिए, जब रगों में लहू की जगह लावा बहता हो तो सारे निषेध, सारी वर्जनाएं और सारा भय कैसे ध्वस्त हो जाता है, यह तब भी जाना और अपने क्रोध से सबको थर थरा देने वाले पिताजी से टक्कर लेने का जो सिलसिला तब शुरू हुआ था, राजेंद्र से शादी की तब वह चलता ही रहा। ये सब बातें उन्होंने जब राजेंद्र से शादी की तब भी ये सब चलता ही रहा था। यश कामना, बल्कि कहूँ कि यश लिप्सा पिताजी की सबसे बड़ी दुर्बलता थी और उनके जीवन की धुरी था यह सिद्धांत कि व्यक्ति को कुछ विशिष्ट बनकर जीना चाहिए, कि उनके पिताजी की सबसे बड़ी दुर्बलता थी कि यश पाना और उन्हें उनकी लिप्सा अभिप्सा रखना, और उनके जीवन की धुरी था यह सिद्धांत कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए कि कुछ विशिष्ट बनकर ही जीना चाहिए, ऐसे उनके पिताजी की इच्छा थी। कुछ ऐसे काम करने चाहिए कि समाज में उनका नाम हो, सम्मान हो, प्रतिष्ठा हो, कि वर्चस्व हो, कि उनके पिताजी का क्या ध्येय था कि समाज में अगर क्या करना है कि समाज में उनका नाम हो, सम्मान और प्रतिष्ठा और उनका वर्चस्व समाज में बना रहे, ऐसे उनका व्यक्तित्व था। इसके चलते ही मैं दो एक बार उनके कोप से बच गई थी। एक बार कॉलेज से प्रिंसिपल का पत्र आया कि पिताजी आकर मिले और बताए कि मेरी गतिविधियों के कारण मेरे खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही क्यों न की जाए, कि पिताजी के ऐसे स्वभाव के कारण। और एक बार लेखिका के कॉलेज से प्रिंसिपल का पत्र आया था कि पिताजी आकर वहां पर उन्हें कॉलेज में मिले, तो इनकी गतिविधियों के कारण उनके खिलाफ एक अनुशासनात्मक कार्यवाही क्यों न की जाए। पत्र पढ़ते ही पिताजी आग बबूला, यानी कि बहुत गुस्सा हो जाते हैं कि यह लड़की मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रखेगी। पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ेगा वहां जाकर। चार बच्चे पहले भी पढ़े, किसी ने ये दिन नहीं दिखाया। गुस्से से भन्नाते हुए ही वे गए थे कि पत्र पढ़कर वह क्या गुस्से से भन्नाते हुए ही वे गए थे और इससे पहले चार बच्चे पढ़े थे पर किसी से भी ऐसी शिकायत नहीं आई थी। लौट कर क्या कहकर बर्पा होगा, इसका अनुमान था। सो मैं पड़ोस की एक मित्र के यहाँ जाकर बैठ गई, माँ को कह दिया कि लौट कर बहुत कुछ गुबार निकल जाए तब बुलाना, लेकिन जब माँ ने आकर कहा कि वे तो खुश ही है, चली चल, तो विश्वास नहीं हुआ। गई तो सही, लेकिन डरते डरते। सारे कॉलेज की लड़कियों पर इतना रोब है तेरा, सारा कॉलेज तुम तीन लड़कियों के इशारे पर चल रहा है। प्रिंसिपल बहुत परेशान थी और बार बार आग्रह कर रही थी कि मैं तुझे घर बिठा लूँ, क्योंकि वे लोग किसी तरह डरा धमका कर डांट डपट कर लड़कियों को क्लासों में भेजते हैं, और अगर तुम लोग एक इशारा भी कर दो कि क्लास छोड़कर बाहर आ जाओ तो सारी लड़कियां निकलकर मैदान में जमा होकर नारे लगाती है। तुम लोगों के मारे कॉलेज चलाना मुश्किल हो गया है इन लोगों के लिए। कहाँ तो जाते समय पिताजी मुंह दिखाने से घबरा रहे थे और कहाँ बड़े गर्व से कहकर आए कि यह तो पूरे देश की पुकार है, इस पर कोई कैसे रोक लगा सकता है भला। बेहद गदगद स्वर में पिताजी यह सब सुनाते रहे और मैं अवाक कि ये सब बातें पिताजी ने सुनाई, और उनकी माँ तो ये सब सुनकर
अवाकी रह गई थी। मुझे न अपनी आंखों पर विश्वास हो रहा था न अपने कानों पर यह हकीकत थी। एक घटना और है कि आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे का सिलसिला था। सभी कॉलेजों, स्कूलों, दुकानों के लिए हड़ताल का आह्वान था, जो जो नहीं कर रहे थे। छात्रों का एक बहुत बड़ा समूह वहां जा जाकर हड़ताल करवा रहा था। शाम को अजमेर का पूरा विद्यार्थी वर्ग चौपड़, यानी कि मुख्य बाजार का जो चौराहा होता है, वह पर इकट्ठा हुआ और फिर हुई भाषणबाजी। इस बीच पिताजी के एक निहायत दक्यानुषी मित्र ने घर आकर अच्छी तरह पिताजी की लूह उतारी। अरे, उस मन्नू की तो मत मारी गई है, पर भंडारी जी आपको क्या हुआ? ठीक है, आपने लड़कियों को आज़ादी दी, पर देखते आप जाने कैसे कैसे उल्टे सीधे लड़कों के साथ हड़तालें करवाती, हुड़दंग मचाती फिर रही है। वो हमारे आपके घरों की लड़कियों को शोभा देता है यह सब। इस तरह से उनके पिताजी को उनका एक मित्र है वह सुनाता है ये सब बातें। कोई मान मर्यादा, इज्जत आबरू का ख्याल भी रह गया है आपको या नहीं? तो इस तरह से उनके बारे में ये सब बातें सुना रहा है। वे तो आग लगाकर चले गए और पिताजी सारे दिन भभकते रहे कि उनके मित्र ने ये सब बातें कही और कहकर चले जाते, और इस बात के कारण पिताजी सारा दिन भभकते रहते हैं, यानी कि वह गुस्से से भभकते रहते हैं। बस अब यही रह गया है कि लोग घर आकर थू थू करके चले जाए। बंद करो अब यह इस मन्नू का घर से बाहर निकलना। इस सबसे बेखबर में रात होने पर घर लौटी तो पिताजी के एक बेहद अंतरंग और अभिन्न मित्र ही नहीं, अजमेर के सबसे प्रतिष्ठित और सम्मानित डॉक्टर अम्बालाल जी बैठे हुए थे। मुझे देखते ही उन्होंने बड़ी गर्मजोशी में स्वागत किया। आओ आओ मन्नू, मैं तो चौपड़ पर तुम्हारा भाषण सुनते ही सीधा भंडारी जी को बधाई देने चला आया। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। क्या तुम घर में घुसे रहते हो भंडारी जी? घर से निकला भी करो। यू हैव मिस्ड समथिंग। और वे धुआंधार तारीफ करने लगे। वे बोलते जा रहे थे और पिताजी के चेहरे का संतोष धीरे धीरे गर्व में बदलता जा रहा था। भीतर जाने पर माँ ने दोपहर के गुस्से वाली बात बताई तो मैंने राहत की सांस ली। आज पीछे मुड़कर देखती हूँ तो इतना तो समझ में आता ही है, क्या तो उस समय मेरी उम्र थी और क्या मेरा भाषण रहा होगा। यह तो डॉक्टर साहब का स्नेह था जो उनके मुंह से प्रशंसा बनकर बह रहा था। यह भी हो सकता है कि आज से 50 साल पहले अजमेर जैसे शहर में चारों ओर से उमड़ती भीड़ के बीच एक लड़की का बिना किसी संकोच और झिझक के यूँ धुआंधार बोलते चले जाना ही इसके मूल में रहा हो। पर पिताजी कितनी तरह के अंतर्विरोधी के बीच जीते थे वे। एक ओर विशिष्ट बनने और बनाने की प्रबल लालसा तो दूसरी ओर अपनी सामाजिक छवि के प्रति भी उतनी ही सजगता। पर क्या यह संभव है? क्या पिताजी को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि इन दोनों का तो रास्ता ही टकराहट का है? तो इस तरह से लेखिका मन्नू भंडारी ने यहाँ पर उनकी ये सारी जो बातें हैं वो बताई है। और उनके आगे उनके जो पिताजी है वो कहीं उनका विरोध करते हैं तो कहीं वो गर्व से भी ऊंचे हो जाते हैं। 1946 के मई महीने में शीला अग्रवाल को कॉलेज वालों ने नोटिस थमा दिया, लड़कियों के भड़काने और कॉलेज का अनुशासन बिगाड़ने के आरोप में। इस बात को लेकर हुड़दंग न मचे इसीलिए जुलाई में थर्ड ईयर की क्लासेस बंद करके हम 2-3 छात्राओं का प्रवेश निषिद्ध कर दिया कि शीला अग्रवाल के कॉलेज वालों ने उन्हें बाद में नोटिस थमा दिया और ऐसा आरोप लगाया कि ये लड़कियों को भड़काने और कॉलेज का अनुशासन बिगाड़ने का काम कर रही है। और इस बात ने वहां पर हुड़दंग न मचे इसीलिए वो उन्हें क्या करते हैं कि जुलाई में थर्ड ईयर का क्लासेस बंद करके 2-3 लड़कियों को वहाँ से निकाल दिया जाता है। हुड़दंग तो बाहर रहकर भी इतना मचाया कि कॉलेज वालों को अगस्त में आखिर
थर्ड ईयर खोलना पड़ा। जीत की खुशी पर सामने खड़ी बहुत 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 बड़ी चिर प्रतीक्षित खुशी के सामने यह खुशी बिला गई। शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि 15 अगस्त 1936 के बाद। तो यहाँ पर ये जो पाठ है वो पूरा होता है और यहाँ पर लेखिका ने अपने बारे में और अपने कॉलेज के जीवन के बारे में, अपने आत्मकथ्य में ये सब बातें बताई है। तो आप लोगों को इसका अभ्यास करना है और उसके साथ प्रश्न के यहाँ पर प्रश्न दिए हैं उसके उत्तर भी लिखने हैं और यहाँ पर शब्द के अर्थ जो दिए हैं वो भी आप लोगों को लिखकर याद करने हैं।